हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है, जितने भी मेरे विंटर प्लांट है, फ्लावर प्लांट, वो मैं आपको सभी दिखाने वाली हूँ। जितने मैंने सारे विंटर कलेक्ट किए हैं, जो भी मैं ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ, वो सारे ही आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। और लास्ट तक बने रहे इसे देखने के लिए, हो सकता थोड़ा सा जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। और मैं आपको इस वीडियो में थोड़े बहुत केयर टिप्स भी देती रहूँगी, किसको धूप में रखना है और किसको छाया में रखना है और कितनी धूप देनी है, कितना पानी देना है। आइए लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। और पहले हम ये स्टॉक प्लांट देखते हैं। ये जो स्टॉक प्लांट है, ये देखो मेरे पास कई सारे हैं और पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एक ये है वाइट वाला और एक ये है। तो इनको आप मॉर्निंग की ही धूप दें, एक घंटा, और इससे ज़्यादा ना दे, नहीं तो ये क्या होगा, ये फ्लावर आपके जो है सूखने लगेंगे। अगर हमें ज़्यादा दिन टिकाने हैं तो हमें इसको सिर्फ एक ही घंटा दे सुबह की धूप। और अब मैं इधर आ जाती हूँ। ये देखो, ये अरेलिया के हैं, ये वाइट है और ये पर्पल है जो मैंने नया खरीदा था। ये भी बहुत सुंदर है क्योंकि मुझे ये दोनों अच्छे लगे, पर्पल और पिंक वाला। इस पर अभी झड़ गए हैं तो, लेकिन बर्ड्स बहुत सारी हैं, लेकिन ये अच्छा लगा मुझे तो मैंने इनको भी एक को और ख़रीदा। तो ये भी अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप भी खरीद सकते हैं। तो इनको बस गर्मियों में और बरसात में बचाना है, और इनको तो अब बिल्कुल छायादार जगह में रख दो, क्योंकि अब जो है विंटर की तो गर्म हो गई है, विंटर तो ख़त्म होने वाला है, फरवरी का महीना है। तो इसलिए धीरे धीरे धूप जैसे बढ़ रही है, इनको अजेलिया को बिल्कुल आप छाया में रख दें। और ये देखिए, ये मेरे पिटोनिया के हैं। पिटोनिया के भी अगर आपको ज़्यादा फूल चाहिए तो इनको भी बस सिर्फ मॉर्निंग की ही धूप दें। ये देखो, एक ये है और ये देखो, ये जेरेनियम का है। जेरेनियम तो वैसे भी विंटर में भी कम धूप में चल जाता है, तो अब तो ये थोड़ा थोड़ा धूप में जो है गर्माहट आ गई है, और तो इसीलिए इसको तो बिल्कुल छायादार जगह में रख दे तो ये अच्छे से फूल देता रहेगा। एक ये वाला है, देखो कितना खूबसूरत है। दो है मेरे पास और लगभग कलर एक जैसे ही है। और ये एक जोरा का भी एक दो घंटे की धूप दे बस। ये नया प्लांट लिया है मैंने, देखो इसको मैं कह रही थी मैं ढूंढ के लाती हूँ। तो देखो ये एक जोरा है, ये ऑरेंज कलर का और गाजरी कलर का, बहुत सुंदर है। ये मिनीचर वैरायटी का है। मेरे पास और भी है। और ये देखिए, ये मेरे कितने खूबसूरत ये पिटोनिया के प्लांट, कितना अच्छी ब्लूमिंग पे है। ये देखो, एक ये है और एक ये कलर है। मतलब ये कई सारे हैं मेरे पास, और अभी और भी आगे मिलेंगे देखने को। तो देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो इनको अभी बस सिर्फ मॉर्निंग की धूप दें, और अगर हमने फूल ज़्यादा लेने हैं और ज़्यादा दिन टिकाने हैं तो इनको जो है मॉर्निंग की ही धूप दें। और ये है देखो, ये नस्टर्टियम है, ये भी नहीं, हाँ ये नस्टर्टियम है, ऑरेंज कलर का। ये भी कितना अच्छा ब्लूमिंग पे है। और एक ये है, इस पर तो अभी फूल आया नहीं, ये हो सकता है क्लाइंबिंग है। ये दो तरह के होते हैं, ये क्लाइंबिंग है। और ये मेरे पास दो तीन है, मैरून कलर भी आगे आएगा वो भी। और ये देखो सीप मंकी, ये भी प्यारा फ्लावर है। इसे अभी भी ये आ रहे हैं, अगर आप लेना चाहो नर्सरी में मिल सकते हैं आपको, अगर अपने गार्डन में ऐड करना है तो। अब ये देखिए, और ये दिखाती हूँ मैं आपको एक कलेंचो। सबसे अच्छा मुझे कलेंचो लगता है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी है, और इसमें पूरा विंटर जो है इसमें ब्लूमिंग चलती रहती है। ये देखो मैंने कितने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। ये देखो, एक ये कलर है, कितना प्यारा है। और इन पर सदा बनी रहती है विंटर में, और इनमें गर्मियों में भी, ये परमानेंट प्लांट है। ये देखो कितना प्यारा कलर है। और एक ये कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ये थोड़ा सा डार्क है, कितना प्यारा कलर है। और ये थोड़े से ये पिंक में है, कुछ रेड है, बहुत ही सुंदर है। ये मैंने इसकी जो है ये कटिंग लगाई थी, और ये इजीली कटिंग चल जाती है इनकी, तो थोड़ी सी भी अगर लगा लो तो ये चल जाती है, और परमानेंट प्लांट है। ये सबसे अच्छा लगा मुझे, तो इस पर तो फूल बने ही रहते हैं और अभी बने रहेंगे इस पर आगे तक भी। और ये देखो, ये मेरा
ये फेलोक्स है, ये अभी लाई, ये दो प्लांट में, एक ये वाला लाई पिंक कलर का और एक ये ऑरेंज कलर का लाई। मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, अभी मैं दो तीन दिन पहले ही लाई हूँ, दो दिन पहले, तो मेरे पास दो पहले भी थे और इनको मैंने, इनको भी ऐड किया है क्योंकि ये मेरी लिस्ट में थे कि अगर नए मिलेंगे तो मैं इनको भी ज़रूर बाय करूँगी। तो ये कितने प्यारे कलर है देखो। और एक और ये भी, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये देखो ये कार्नेशन, इसमें जब फूल आता है, और ये वाला कलर मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि डार्क ग्रीन इसकी लिप्स होती है और ये रेड कलर का और ये कुछ इस तरह का ये फूल होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और बाद में जो है ये थोड़ा थोड़ा ये मजेंटा कलर में आ जाता है, तो ये फूल भी मुझे सबसे अच्छा लगा। और ये भी परमानेंट प्लांट है, इसको भी अब मॉर्निंग की ही धूप दें, से इसे ज़्यादा धूप ना दें। और ये देखो कैलेडियम के हैं, ये भी अगर आपको फूल ज़्यादा दिनों तक टिकाने हैं तो इसको भी कमी धूप दें, एक या दो घंटे की। ये देखिए ये पप डेजी है, ये भी खूबसूरत प्लांट है, ये देखिए ये पप जैसे ये बहुत ही सुंदर लगता है। इस पर देखो कैसे बने हुए और कितना हेल्दी प्लांट है, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था, तो ये देखो कितना खूबसूरत है। अगर आप लेना चाहो तो अभी भी नर्सरी में आ रहे हैं, ले सकते हो अपने आसपास की नर्सरी से, कितना सुंदर है। इसे भी बस अब मॉर्निंग की बहुत ही, मतलब इसे तो कम दिखानी होगी, ये तो एकदम सूख जाता है, अगर धूप में रह जाता है 15-20 मिनट भी तो ये सूख जाता है, इसे 10-5 मिनट की ही धूप दे। और ये देखो ये डैंथस का, ये भी मैंने नया ख़रीदा है, कितना प्यारा कलर देखो इसका, कितना प्यारा रेड और इसमें मजेंटा का जो है बॉर्डर है, बहुत ही प्यारा है। और इसकी लीफ भी मुझे बड़ी बड़ी लगी इसलिए मैं इसको ले आई, वैसे मेरे पास डैंथस के काफ़ी सारे थे तो, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा और ये भी परमानेंट प्लांट है तो मैं इसको भी मैंने बाय किया। ये देखो कितना खूबसूरत है। और अभी कुछ नए प्लांट और दिखाती हूँ, ये देखो ये रेनेनकुलस है, ये मजेंटा कलर का है, कितना प्यारा है, खिल रहा है। और एक ये वाला लिया है और एक मैंने ये लिया है, ये इसमें काफ़ी सारी बर्ड है तो इसको मैंने इसलिए बाय किया है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग हो रही थी थोड़ी, ये हल्की है इसलिए मैंने इसको बाय किया है। और ये पिंक कलर की है, देखो कितने सारी बर्ड्स हैं, मैं इसी बड़े गमले में लगाऊंगी और इसको इस छोटे गमले में लगाऊंगी, इसको भी मॉर्निंग की एक दो घंटे की धूप दें, नहीं तो ये क्या होता है ये फूल सूखने लग जाते हैं। और वैसे तो 1-1.5 महीना ये प्लांट पे हमारे लगे रहेंगे। और ये देखिए ये आइस प्लांट है, ये दो प्लांट तो मैंने पहले ही लिए थे जिसपे मैंने दिखाया था, ये बर्फ़ जैसे क्रिस्टल रहते हैं जमी हुई इस पर, तो ये वाला मैंने पहले लिया था, ये एक ये और एक ये, तो मुझे इसके फूल बहुत ही सुंदर लगे तो मैंने दो और भी बाय किए, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो एक येलो कलर है ये वाला, इसके फूल भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं, काफ़ी सारे, तो ये सारे ही सुंदर आते हैं। और इसमें जो है ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये वाला कलर है, हालांकि ये हल्का चल रहा है ये, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मैंने कुछ हल्का ही प्लांट कलर की वजह से, नया कलर की वजह से, ये रेड और ये डबल कलर कॉम्बिनेशन की वजह से मैंने लिया है, लेकिन ये मुझे कम ही चलता नज़र आ रहा है, हालांकि चल जाएगा ये अगर मैं इसको एक दिन धूप में रख दिया थोड़ा सा, ये बिल्कुल भी अब धूप में मत रखना, रखोगे तो 10-15 मिनट की धूप में ही रखना इसको, वैसे तो ये धूप से ही खिलते हैं, लेकिन धूप में अब गर्माहट आ गई है तो ये जो है जल्दी से, ये देखो इतने ये फूल जल्दी जो है ऐसे सूखने लग जाएंगे आपके, अगर आप ज़्यादा देर रखोगे, बस थोड़ी ही देर में रखना, थोड़ी देर ही रखना इसको, कितने खूबसूरत है देखो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये मेरे गजानिया के हैं, ये भी मैंने नया ख़रीदा है, ये देखो मैं बता रही थी ना आपसे पहले भी वीडियो में कि जो भी मुझे नया अच्छा वो येलो कलर में मिलता है तो मैं येलो कलर में ज़्यादा ही ख़रीदती हूँ। ये देखो कितना प्यारा है और ये एकदम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ये भी मैंने बाय किया है। इस पर कितने सारे फ्लावर हैं, दो इधर हैं, जगह भी नहीं मिल रही है देखो खिलने के लिए इसको, ये देखो इधर से दिखाती हूँ, इनको जगह भी नहीं मिल रही, इतने सारे हैं ये। और इधर भी ये बर्ड्स हैं, ये पूरा चारों तरफ से भरेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। और एक ये कलर है, ये भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, इसको जो है ये कलर ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा और मैंने इसका बहुत वेट किया तब जाके मुझे ये मिला, बहुत ही सुंदर है ये देखो,
और एक ये गजानिया का, देखो ये कलर भी बहुत सुंदर है। और ये देखो एक कलर ये है येलो कलर का, और एक ये है, और ये भी कई सारे हैं भी मेरे पास। देखो अभी इसमें भी, इसमें जो है फूल आ चुके और इसमें बन रहे हैं, देखो इसमें भी बन रहे हैं, कई सारे हैं अभी, चार पांच पे तो अभी फूल नहीं है तो। और एक ये वाला है, देखो ये 10-12 हैं मेरे पास, ये कई कलर रंगों में आता है, तो इनको तो अभी धूप ज़रूरी है, इनको कम से कम 2 बजे तक तो इन्हें धूप देनी है, और जो गर्म हो जाती है तेज़ धूप 2 बजे की या 12 बजे तक दे सकते हैं, क्योंकि तेज़ धूप हो जाती है 2 बजे की, तो ये क्या है, ये पत्तियाँ वर्न हो जाती है और इनकी जो ये कलियाँ होती है ये सूखने लग जाती है, तो इसलिए हमें ये 12 बजे तक की धूप इसे दे सकते हैं, क्योंकि बिना धूप के भी ये नहीं खिलते। अगर हम ज़्यादा धूप देते हैं इनको तो क्या होता है, ये जो है छोटे फूल देता है और कलियाँ भी मरने लगती हैं इनकी। अब मैं इधर आ जाती हूँ, देखो ये मेरे सब, ये रेनानकुलस है, ये भी खिलने लगा, और ये देखो यूफोरबिया कटिंग लगाई थी वो भी खिल रहा है। ये देखिए ये इस तरह के हैं, मैं बस थोड़ा ही हल्का सा दिखाती हूँ, ये इंडोर प्लांट है मेरे, ये छोटे छोटे जो कटिंग्स लगाए थे, और ये देखो ये सब प्लांट, ये देखो। और भाई एक ये बेगोनिया का, जो बेगोनिया का होता है ये मुझे सबसे अच्छा लगा। एक तो मैं आपको बोलूँगी कि एक क्लेंच और एक बेगोनिया, अगर आपके पास कम से कम इन दोनों को ज़रूर खरीदें। इन पे कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी है, बस लगाना है और पानी भी बहुत हल्का सा, जब सूख जाए मिट्टी तभी देना है। तो ये देखो ये भी कितने अच्छे से चल रहे हैं मेरे, और शुरू विंटर में ही लिए थे ये मैंने, और ये अभी मेरे गार्डन में बने हुए हैं, और परमानेंट प्लांट है ये देखो। और बाकी मैं आपको जल्दी जल्दी ऐसे ही दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये देखो ये हिबिस्कस, ये हाइब्रिड वाला, ये भी फूल दे रहा है, देखो पूरे विंटर इन्होंने फूल दिए। और ये बाकी ये देखो फायरवॉल और पॉइंटेसिया, ये देखो। और एक ये मैंने लिली ली थी, एशियाटिक लिली, एक मैंने पहले ऑरेंज कलर की ली थी और ये बाद में ये ली है, देखती हूँ इस पे जैसे फूल इन पे बाद में तो कमी आते अगर हम देर से खरीदते तो। ये देखो ये भी बने हुए, ये भी छायादार में ही रखे हैं मैंने सब। और ये मेरे जेरेनियम के हैं, ये जेरेनियम का है, इस पर भी ये बड्स बन रही है, फूल आएंगे इस पर, कई सारे हैं जेरेनियम के मेरे पास। और ये इम्पेशियंस है, इम्पेशियंस का ये देखो ये कितना अच्छा सुंदर कलर है, प्यारा सा, मेरे पास 3-4 है इम्पेशियंस में। और ये भी देखो सदाबहार भी है मेरा, ये हाइब्रिड जो सदाबहार होती है, ये तो 12 महीने शायद फूल देता है। ये देखो सब बने हुए हैं। और ये मेरा डॉग फ्लावर, और ये देखो बर्बीना, ये देखो इस पर फूल आ रहे हैं, और पहले आ चुके थे एक बार, फिर उसको मैंने कट कर दिया, तो इस पर कितनी सारी बड्स बन के आई है, ये भी खूब सारी। ये देखो ये गुच्छों में आते हैं, ये भी गुच्छे गुच्छे से हैं, ये सारे खिल जाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसको भी खरीद सकते हैं आप, और ये कटिंग से भी इजीली लग जाता है। और ये देखो अभी यहाँ भी रखे मैंने कितने सारे कलेंचो इकट्ठे किए हैं, कुछ कटिंग से और कुछ खरीद के भी कई सारे ले आए, और कटिंग से भी लगाए हुए हैं, देखो सारे कलर में है मेरे पास। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सारे ही कलर ले आई इसके। और ये देखो ये मैंने पहले लाई थी, ये निमेसिया, इसके फ्लावर भी बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आता है, ये देखो कितना खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा सा है। और इसको भी अब 1-2 घंटे की धूप दें, ज़्यादा ना दें इसको भी। और ये मेरे पास ये सारे मेरे पास जो कई सारे इकट्ठे किए थे मैंने डहेलिया के, तो उन पे तो ब्लूमिंग अब ख़त्म सी होगी, आ रहे हैं तो छोटे छोटे फूल बनेंगे उन पे, कई सारे लिए थे मैंने। और एक ये नया लिया है आपको दिखाने के लिए, देखो ये भी अगर ले सकते हो, अगर इस पर बड्स हैं, इस पर है देखो मोटी मोटी सी बड्स, और ये खिल रही हैं कई सारी हैं इसमें, तो ये मैंने इसलिए बाय किया है, मुझे कलर भी अच्छा लगा। और ये देखो ये स्प्रिंग सीजन के काफ़ी सारे मैं ले आई हूँ, और भी लाने वाली हूँ। और ये स्प्रिंग सीजन का है, ये देखो ये क्लियर किया प्लांट है, तो कितना खूबसूरत फूल है इस पर, ये आप भी ला सकते हैं। और अभी अभी शुरुआत है इनकी, और ये पूरे जून जुलाई तक ये खिलते हैं, जून तक तो ये खिलते ही हैं। एक ये है जैसे, और ये फेलुक्स का है, ये भी ये न्यू प्लांट है, तो ये इस तरह के प्लांट ये जून तक तो ये खिलते ही खिलते हैं। तो अभी और भी बाकी रह गए हैं, वो भी देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
और एक ये देखिए, ये प्राइम रोज और प्राइमला, इसकी मैं क्या तारीफ करूँ। ये पूरे ही विंटर में ये बने रहते हैं और ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो ये फूल ना हो प्लांट पे। ये देखो, एक ये है और एक ये है और एक ये है और एक ये है बंच में और एक ये है। इतना खूबसूरत लगता है। तो अगले साल तो मैं इसको इतने सारे, हो सकता है मैं इसी से, देखते हैं कैसे बनते हैं बीज, इसका छोड़ दूंगी मैं सीड्स बना, जैसे ये मार्च का महीना आएगा तो मैं इससे सीड्स तैयार करूँगी और आगे इसको बहुत सारे प्लांट बनाने वाली हूँ। ये देखो, ये एलाइसम तो अगर आप पहले खरीदते तो सही रहता, लेकिन अब जैसे जैसे धूप बढ़ रही है तो अब ये जो है ये लेना बेकार है। तो इसको तो जैसे दिसंबर के महीने में ले लो तो ये अब तक चलते रहते हैं, क्योंकि ये धूप से क्या होता है, गर्म धूप से ये जल्दी बिखर जाता है। इसका फूल बहुत छोटा होता है। तो अब तो इसका सीजन अगले महीने तक चला जाएगा, फरवरी तो रहेगा मगर अगले महीने तक चला जाएगा, तो इसे भी लेना बेकार है। तो और देखो, मैंने एक ये लिया था, ये न्यू प्लांट लिया था। ये देखो, अभी इसका रिपोर्टिंग नहीं हुआ। ये अफ्रीकन डेजी, ये भी कितना प्यारा है, देखो कितना खूबसूरत है। ये भी मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। पहला भी मेरे पास एक है ये वाला, इस पे भी प्याजी कलर का और पिंक कलर जैसा आता है। तो अभी बड्स बनी है, अब इसके सूख गए हैं, मैं निकाल दूंगी, इसके ये सब निकाल दूंगी और ये बड्स बनी हुई नई नई, तो अभी ख़रीदा ये भी मैंने, इसे भी परसों ही। तो ये भी बहुत अच्छा लगा, अगर ऐसे प्लांट मिलते हैं तो ऐसे ख़रीदने में फ़ायदा होता है। तो इसमें भी बड्स हैं, ये देखो। और एक ये है, ये ल्यूपिन, और ल्यूपिन भी बस ये वैसे तो ठीक रहता है, तो देखो पत्तियाँ भी अच्छी लगती हैं। अगर आप इसको ख़रीदना चाहो खरीद तो सकते हो, लेकिन इसका जो होता है ये फ्लोवर, वो बहुत जल्दी झड़ जाता है, ज़्यादा दिन टिकता नहीं है और ये खाली खाली सा लगता है। ये देखो, इसके बीज भी दो तीन बन गए, तो ये बंच आ रही है वैसे हल्की हल्की इस पर, तो ये खिलेंगे मगर इसके बहुत जल्दी झड़ते हैं। तो मैंने इसको तो एक ही लिया है, ये देखिए, ये दो टायर रखे थे मेरे पास स्टोर में, तो मैंने इस पर कुछ इस तरह का येलो कलर का पेंट किया है और इसमें एक गमला रखा हुआ फ़िलहाल। और अभी मैं इसको अभी और डिज़ाइन करूँगी, फिर बाद में आपको दिखाऊँगी क्या डिज़ाइन बनाना है मुझे इस पर।